आज हम लोग देखेंगे कि हमें ये वीडियो शूटिंग करने के बाद उसको एडिटिंग कैसे करना है, और एडिटिंग करने के लिए हमें करना क्या है। हमें मोबाइल से ही ये सब कुछ कर सकते हैं, और मोबाइल में अपने एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में हमें पावर डायरेक्टर नाम का ऐप मिलेगा। वो पावर डायरेक्टर को आप क्लिक करो। मेरे पास तो ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, मगर आपके पास नहीं है तो उसको इंस्टॉल करो। एक बहुत अच्छा, बहुत आसानी से और बहुत सारी चीज़ें जिसमें है ऐसा वो ऐप है, तो मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूँ। ये पावर डायरेक्टर जो ऐप है उसमें हम लोग जब ही खोलेंगे तो मेरे पास तो पहले से बनाए हुए प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, मगर यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पावर डायरेक्टर ऐप में एक लेफ्ट साइड में जो है इसमें ट्यूटोरियल्स है, बीच में न्यू प्रोजेक्ट करके है, और तीसरा प्रोड्यूस वीडियो है, जो आपने वीडियो प्रोड्यूस की है उसकी वो आपको यहाँ क्लिक करने के बाद दिखेंगे। और ऊपर में जो मैंने आज तक बनाए हुए बहुत सारे वीडियोज़ है उनकी प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले देख लेंगे कि यह पावर डायरेक्टर ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट का। और यदि हम नाम नहीं देते हैं तो आज की तारीख और आज के महीना जो है यानी अप्रैल 15, ये प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आता है 16x9, 9x16 और 1x1। ये हमें वीडियो, हमारे अल्टीमेट जो वीडियो बनने वाले हैं वो वीडियो कैसे दिखेंगे और कैसे रूप से हमें प्रोजेक्ट करना है उसका वो फॉर्मेट है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो हमें टीवी पे देखने हैं, हमारे वीडियो हमें लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे देखने हैं, तो हमें ये 16x9 का फॉर्मेट लेना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो कोई भी मोबाइल पे देखे तो हम 9x16 करेंगे। 16x9 का मतलब है 16 उसकी चौड़ाई हो गई और 9 उसकी लंबाई हो गई। 9x16 का मतलब है कि उसकी चौड़ाई 9 की है और लंबाई 16 की है। और ये 1x1 नाम का 1x1 है, यानी सब बाजू से इक्वल रहने वाला है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सब जगह चलने के लिए हमें 16x9 लेना चाहिए, मगर 9x16 का फॉर्मेट भी बहुत सारी जगह में काम में आने वाला फॉर्मेट है। तो मैं अभी लेता हूँ 16x9। प्रोजेक्ट का नाम मैं बदली नहीं कर रहा हूँ। 4/15 यानी 15 तारीख, 4 अप्रैल 15 तारीख का ये प्रोजेक्ट है। ओके, अभी हमको यहाँ क्या दिख रहा है, पहले हमें समझ के लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है। अभी ये ब्लैंक है, ये नीचे जो आपको नंबर दिख रहे हैं 00.00, 00.05, इसको ये नीचे की एरिया है ना, इसे बोलते हैं टाइमलाइन। यानी हम लोग जो भी काम करने वाले हैं, हम लोग जो भी वीडियो ऑडियो या पिक्चर्स या कुछ भी हम लोग इसमें डालने वाले हैं, ये टाइमलाइन पर डालेंगे तो वो टाइमलाइन से हम लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी ऊपर में आप देखेंगे, सबसे ऊपर में तो आपको एक वीडियो का सिंबल दिख रहा है, ब्लू कलर का अभी दिख रहा है। उसके बाजू में एक पिक्चर है तो उसको इमेज बोलते हैं, और तीसरा म्यूज़िक का है। तो हमें इसमें से कुछ भी तो चूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे जाए। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, हमारे ये लेफ्ट साइड में जो सिंबल्स है उसमें हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं दिखा रहे हैं, और उसके नीचे दो चौकोन दिख रहे हैं। ये दो चौकोन का मतलब है ये टाइमलाइन पे जो ट्रैक्स है उसको ये नई लेयर्स बोलते हैं। ये जो लेयर्स है हम लोग नए नए लेयर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ इसके ऊपर दबा के। तो मैंने ये दबाने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ के दो लेयर यहाँ आपको दिख रही है। जब ये ऊपर में था तभी दोनों सिर्फ म्यूज़िक की लेयर दिख रही थी और एक ऊपर वीडियो की लेयर दिख रही थी। अभी एक बात ध्यान में रखो, हम जब भी वीडियो
पिक्चर्स, ऑडियो, जो भी कुछ हम लोग ये टाइमलाइन पे डालने वाले हैं, तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वो सबसे पीछे रहती है, उसके बाद में उसके नीचे की लेयर उसके सामने आगे रहती है, उसके बाद में आगे की उसके नीचे की जो लेयर है उससे और आगे रहेगी। मतलब क्या हो गया कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो पीछे वाली सभी लेयर को ढकने वाली है। तो ये बात ध्यान में रख के हमें हमारी वीडियो का जो भी कुछ भी हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं ये सोच समझ के हमें करना चाहिए। तो हम अभी ये पहली लेयर में जाएंगे। अभी हमारे पास हम कहाँ से वीडियो ले सकते हैं, यहाँ पे सब दिख रहा है स्टॉक वीडियो करके है, वीडियो कैप्चर है, यानी वीडियो कैप्चर मतलब हम लोग डायरेक्टली अभी वीडियो कैप्चर करके स्ट्रेट अवे सीधा सीधा हम लोग पावर डायरेक्टर में इंपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग गूगल ड्राइव में हमारे वीडियो स्टोर करके रखे हैं तो गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने हमारे कैमरा से ऑलरेडी, ये मोबाइल के ही कैमरे से ऑलरेडी हमने कोई वीडियो शूट करके रखे है तो वीडियो शूट किए हुए वीडियो भी ले सकते हैं। हमने डाउनलोड किए हुए वीडियो है हमारे पास तो डाउनलोड के भी वीडियो, और बहुत सारे बाकी फोल्डर्स आपके पास है जिसमें वो भी कोई वीडियो है वो कहीं से भी आप वीडियो ले सकते हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ों को देख के रखें, वीडियो कैप्चर, स्टॉक वीडियो और गूगल ड्राइव को हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग जाएंगे कैमरा में। तो अभी ये मेरे पास कैमरा में बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, तो मैं पीछे जाता हूँ कैमरा से वापस और मैं देखता हूँ डाउनलोड में। तो मेरे पास जो भी डाउनलोडेड वीडियोज़ है उसकी यहाँ पे दिख रही है, मैं वापस पीछे जाता हूँ। मोबीजन ये एक स्क्रीन कैप्चरिंग का ऐप मेरे पास है जिससे ही मैं ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आपको दिखेगा कि ये मैंने जो वीडियो मेरिडियन के वीडियो बनाए थे वो स्क्रीन रिकॉर्डर से ही मैंने बनाए थे, तो वही वीडियो यहाँ दिख रहे हैं। और पीछे जाएंगे पावर डायरेक्टर में बनाए हुए जो वीडियोज़ है उसकी लिस्ट यहाँ पे है, और व्हाट्सएप में आपके पास कोई वीडियो आ गए तो आप उसको भी आप यहाँ लेके एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो वीडियो है वो एक वीडियो जो है मैंने कुछ दिन पहले एक अंदाज से एक महीने पहले मैंने शूट किया था मेरे ही घर के बालकनी में, उसको मैं ले रहा हूँ। अभी ऐसे करने के बाद कैसे दिख रहा है आपको, एक प्लस के साइन दिख रही है और बाजू में एक ट्रायंगल दिख रहा है। आप ये ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो से हम लोग बंद करेंगे, चाहिए तो यहाँ से और जब भी मुझे ये वीडियो ये टाइमलाइन पे ऐड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस बटन को मैंने दबाया तो सीधा आके ये वीडियो हमारे टाइमलाइन पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये वीडियो कैसे क्या क्या कैसे कैसे शूटिंग हो गया। तो आज हमने क्या किया, आज हम लोगों ने ये वीडियो को, एक जो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो था उसको मैंने टाइमलाइन पे ले लिया। अभी मैं ये वीडियो जो टाइमलाइन पे है उसको मैं, बहुत लंबा दिख रहा है तो उसको मैं ऐसे पिंच करूँ तो टाइमलाइन छोटी हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, तो एक साथ ही हमें सब कुछ दिखाई देगा। मैं चाहिए तो मैं दो उंगली लगा के दो उंगलियों से मैं उसको पिंच करूँ तो मैं उसको एक्सपांड कर सकता हूँ। अभी मुझे ये वीडियो का कुछ भी करना है तो मैं ये वीडियो की जो टाइमलाइन की वीडियो है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वीडियो एडिटिंग के नीचे से बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास दिखने लग गए। तो उसमें सबसे पहला है कि वॉल्यूम, सबसे पहला है मैं थोड़ा आगे ले लूँ तो दिखता है कि स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट का मतलब है कि हम यही वीडियो को हम लोग दो टुकड़े, तीन टुकड़े, दस टुकड़े में बना सकते हैं, और इसका फ़ायदा यह है कि हमें, हमने जो वीडियो शूटिंग की है उसमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो उसका निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें आगे पीछे करनी है तो भी हम लोग उससे कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ,
तो मैं अभी पहले 10 सेकंड का जो वीडियो है उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो गया, मेरे पास अभी 2 वीडियो हो गए। मैं जो भी किया उसको मैं चाहता हूँ तो अंडू कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड में जो एरो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में और जाने वाला एरो, उससे मैं अंडू कर सकता हूँ। तो जो स्प्लिट किया हुआ वीडियो था वो वापिस एक हो गया है। और मैं चाहता हूँ तो यही वीडियो को मैं यहाँ जो बिन का बटन दिख रहा है उससे मैं डिलीट करता हूँ। मेरे हिसाब से आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। मैंने डिलीट किया और जो डिलीट किया वो मैं वापस ला रहा हूँ अंडू से। ठीक है, तो हम लोग आज इतने तक ही रोकेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करो, इसको समझ जाओ और उसके बाद में हम आगे जाएंगे।